ये हमारे स्कूल की सेट में इनके कौन घूम रहा है यहाँ पे। तो आज है मोहित भाई का बर्थडे और हम जा रहे हैं सैर सपाटा। और सामने ही आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा। ये रहा भाई टिकट, 30 रुपए टिकट है और कैमरे का टिकट है 1280 रुपए। तो भैया हम हमारे पास आईफोन है, उसी से काम चलाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा है, कैमरा तो जमा नहीं कर रहा, कैमरे की बैटरी निकाल ली है इन लोगों ने। तो हम भी बहुत बड़े वाले हैं, कैमरे की 2 बैटरी है मेरे पास, एक कैमरे की बैटरी मैंने छुपा के, मतलब छुपा के नहीं, उस बैग में ही रखी हुई थी लेकिन उन्होंने नहीं देखी, और जो उसमें कैमरे के अंदर जो बैटरी थी वो निकाल के रख ली और ये पकड़ा दिया 12 रुपए। ठीक है, शेर और सपाटा। कैमरा पता नहीं क्यों अलाउड नहीं करते हैं ऐसी जगहों पे साले, पता नहीं। तो हमारा थर्ड ब्लॉग आ चुका है। आज से कुछ 7-8 महीने पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, ये सोच के कर रहा था कि कंटिन्यू ब्लॉग करते रहूँगा मैं, लेकिन टाइम नहीं मिला या फिर मेरा मन भर गया था इसलिए मैंने फिर नहीं करा। लेकिन अब फिर से एक बार शुरू किया है तो अब इसको आगे तक लेके जाएंगे। ओहो प्रेमी जोड़ा, देखो ये कोचिंग के बहाने से निकले हैं शेर सपाटे में शेर करने। ओ ये हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, वो वाले ब्रिज पे से जाएंगे बाहर। ओके, भारत में स्माइल वगैरह तो नहीं देखी, हेडफोन डाल। क्या चाहिए तुझे? स्लो मो। यार ब्लॉग करना लोगों को लगता है इजी, लेकिन कोई भी कहीं पे भी ब्लॉग नहीं कर सकता, और फिर एडिट करने में तो रातें निकल जाती हैं। कर रहे हो क्या? कर रहे हो मोबाइल चला रहे हो? गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो? अच्छी बात है, निकल गई इसलिए बुलवा मैं। ओके, ओ ये एलियंस झांक रहे हैं। वाह भाई इधर चले, मैं तो डर गई। ओ और ये टॉय ट्रेन, 20 रुपया टिकट है यहाँ को, आप आ सकते हैं। और ये तेल डाल रहे हैं इसमें, तेल से चलती। क्या हो रहा भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या दिक्कत है? घूमने आए हो, सेटिंग से बात करने आए हो? ये है टिकट प्राइस और यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, 90 रुपए पर पर्सन चार्ज है इस बोट का, पेडल बोट का। शेर सपाटा में ना शेर मिला ना सपाटा। ओके ग्लास ब्रिज, ओहो ग्लास ब्रिज, ओ माय गॉड, चीरिंग डीरिंग। और ताज होटल भोपाल का, जो मुंबई में ताज है ये उसी की एक ब्रांच है। क्या मत करो, तुम क्या कर रहे हो? शेर सपाटा में तो हमें कुछ नहीं मिला, उसके पास हम गए साइंस सेंटर जो कि पास में ही था, और उसका टिकट था 25 रुपीज और गाड़ी का मात्र 3 रुपए। वाओ, ये
देखा गलत बात, ये तक खराब हुई। जिम जाता है थारा भाई जोगिंदर। देख रहे हैं अबे एक ही हो रहा है अंकल, मत देखो, तुम्हारी बेटी को बाहर के ले गया क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? वीडियो चालू थी क्या? तो जब मैंने ये फोटो शेयर करी थी अपने इंस्टा और व्हाट्सएप पे, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी उनके अजीब से रिएक्ट थे कि भाई ये एडिट करिए या फिर क्या है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ नहीं है। आप यहाँ जाओगे तो एक साइड से एक रास्ता गया है, उसके नीचे आप बैठोगे और आपका फेस ऊपर आएगा तो सिर्फ आपका फेस दिखता है और आगे ये मिरर लगा है, तो बस यही था और कुछ नहीं। साइंस सेंटर आप लोग एक बार जरूर जाएं और ऐसी काफी सारी चीजें वहां पे देखने की आपको मिलेंगी। तो इतना हमने घूम लिया है और एक शायद ऊपर भी है तो वो अभी बंद है, नीचे तो इतना ही है। ठीक है, हो रहा है, भूख लग रही है, भूख लग रही है इनको। घूमते घूमते हम लोग लग गई भूख, तो हम पास के ही खोकर्स में गए जहाँ पे हम लोगों ने समोसे खाए। पत्तों में समोसे मिलते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और उसके बाद चाय, आहा, खाने के बाद चाय का एक अलग ही मज़ा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और इस बार पक्का बहुत जल्दी मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।